नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होमगार्ड जवानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, चैनल पर फर्स्ट बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेगा। मैं इस चैनल का होस्ट धर्मेंद्र। आज 8 मार्च 2020, आज की जो होमगार्ड से जुड़ी जो मुख्य ताज़ा खबरों की अपडेट है, उनकी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। एरियर वेतन भुगतान शुरू, जवानों के बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, अब मिलेंगे 50,000 रुपये, हाईकोर्ट का आदेश हुआ जारी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना को टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी अपडेट। अपडेट की ओर बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार पधारे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें और ज्यादा मोटिवेट मिलता है आपके लिए होमगार्ड से जुड़ी और लेटेस्ट खबरों को बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज की सबसे पहली अपडेट की ओर। पहली अपडेट आप देख सकते हो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी होमगार्ड सैनिक हटाए गए। होमगार्ड सैनिक की अवमानना याचिका में आरोप नोटिस हुआ जारी। जबलपुर से दोस्तों अपडेट हमें मिली है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी होमगार्ड सैनिकों को 2 माह के बगैर वेतन के कॉल ऑफ ड्यूटी का फरमान जारी किए जाने को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है। इस बारे में दायर अवमानना याचिका में लगे आरोपों पर जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आवेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए और मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। और बालाघाट में पदस्थ होमगार्ड सैनिक योगेश वनवारी की ओर से दायर इस अवमानना याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के नवंबर 2019 तथा फरवरी 2020 में पारित आदेश में कहा गया था कि होमगार्ड सैनिक से 10 माह की सेवाएं लेकर उन्हें 2 माह के लिए न बैठाया जाए, और इसके बावजूद डीजी होमगार्ड के आदेश का हवाला देते हुए डिस्ट्रिक्ट कमांडर ने बिना वेतन 2 माह की कॉल ऑफ ड्यूटी का फरमान दिया, और इस आदेश की आड़ में अब होमगार्ड सैनिक को जबरदस्ती घर भेजा जा रहा है, और जो हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। तो फ्रेंड्स आप देख सो हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का किया जा रहा है उल्लंघन। अवमानना याचिका में गृह सचिव, डीजी होमगार्ड, सीनियर स्टॉक ऑफिसर तथा कमांडेड होमगार्ड बालाघाट को पक्षकार बनाया गया था, और मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा, और सुनवाई के बाद एकल पीठ ने मामले में बनाए गए आवेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश भी किया है। और नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 2500 होमगार्ड्स का नामांकन करने के लिए वित्तीय स्वीकृति हुई है जारी। दोस्तों अपडेट हमें मिली है जयपुर राजस्थान से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 2500 होमगार्ड गार्ड्स रिक्वायरमेंट इन राजस्थान। गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि गृह रक्षा विभाग में 2500 स्वयंसेवकों का नामांकन करने के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के बाद विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, तथा पहली बार स्वयंसेवकों के नामांकन में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में 31 जनवरी 2020 तक शहरी, ग्रामीण एवं सीमा गृह रक्षा स्वयंसेवकों का कुल नियोजन गत वर्ष के 35% की तुलना में 43% रहा है। और उन्होंने कहा कि गृह रक्षा विभाग के निदेशालय के भवन निर्माण के लिए विद्याधर नगर में 1250 वर्ग मीटर भूमि आवंटन कर भवन निर्माण हेतु 10,97,00,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। और उन्होंने कहा कि राजस्थान होमगार्ड्स अधिस्थ सेवा नियम 2020 का प्रारूप तैयार कर कार्मिक विभाग से इसका परीक्षण करवा लिया गया है, और किसी स्वयंसेवक की मृत्यु होने पर उसके इच्छुक आश्रितों को स्वयंसेवक के रूप में सदस्य प्राप्त की जाएंगी, और यह व्यवस्था पूर्व में नहीं थी। और इसके अलावा आप देख सको जाटव ने बताया कि विभागीय कल्याण कोष से स्वयंसेवकों व अधिकारियों एवं कर्मचारी के 2 बच्चों को छात्रवृत्ति भी दी जाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर पृथक हो रहे स्वयंसेवकों को अग्रिम जीवन यापन एवं लघु व्यवसाय हेतु कल्याण कोष से 1 मुश्त अनुदान राशि के रूप में अधिकतम 50,000 रुपये तक राशि देने का प्रारूप और निर्णय लिया गया है। निरोगी स्वास्थ्य की तर्ज पर, राजस्थान की तर्ज पर होमगार्ड्स के स्वयंसेवकों को स्वस्थ रखने एवं मानसिक तनाव को दूर करने की दृष्टि पहली बार राज्य स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। और अगली अपडेट आप देख सो होमगार्ड्स और SDIRF के जवानों को बोर्ड हैंडलिंग एवं तैराकी का प्रशिक्षण दिया गया है। इस फोटो में भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अपडेट हमें मिली है विदिशा से कि बुधवार को होमगार्ड से एम SDIRF के जिला सेनानी संतोष कुमार जाट ने मार्गदर्शन में DR वर्मा कंपनी कमांडर, PC सरिता एका, PC मनीष यादव, ASIAL विश्वकर्मा एवं अन्य कर्मचारी द्वारा होमगार्ड एवं SDIRF के जवानों को बोर्ड हैंडलिंग एवं तैराकी का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके बाद बेतवा घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारी एवं जवानों द्वारा घाट की साफ सफाई की गई,
और वर्तमान में भयावह कोरोना वायरस से बचने एवं लोगों को जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई है। तो दोस्तों आज की जो अपडेट थी होमगार्ड से जुड़ी, जो अलग अलग स्टेट जो मुख्य खबरों की अपडेट थी, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे आपके लिए जो जवानों के लिए जो सरकार ने राजस्थान होमगार्ड जवानों के लिए जो राजस्थान सरकार ने जो ये योजनाएं निकाली है 50,000 रुपये राशि और उनके बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है आप अपनी कमेंट राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और चैनल पर फर्स्ट बार बता रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।